मैं डॉक्टर गोविंद पांडे उत्तरांचल से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में पला बड़ा हूँ क्योंकि जीना इस इकोनॉमिक सीरियल है, उसमें मैं भी लीड नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। जैसा कि अभी बहुत जल्द हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरी सरकार से एक मांग है कि वो इलेक्शन के वक्त सारे वादे या जो अपने वोट पाने के लिए जनता को जितने भी वो अपने स्लोगन देती है, उससे पहले वो ये सोचे कि क्या वो पिछले जो वादे हुए हुए कि नहीं। मेरी मतलब उनसे एक सबसे ज़्यादा डिमांड नहीं है, मगर तीन चार चीज़ों के बारे में मैं सरकार से चाहूँगा कि गर्ल्स एजुकेशन सरकार कर रही है, मगर वो अभी पुख्ता रूप से गांव-गांव बिल्कुल रूरल एरिया जहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, वो हुआ है मगर पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। तो लड़कियों को जो है एजुकेट सबसे पहले करना चाहिए। और दूसरा रोजगार, कि आज हमारे शहरों में भी और गांव के आसपास जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें या गाँव के अंदर भी, या माइग्रेशन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वे रोजगार पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये संसाधन लगाएंगे, हम ये उत्पादन लगाएंगे, हम इस तरह के हम देंगे, कर भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, मगर वो अभी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तो रोजगार सबको मिलना चाहिए। तीसरा स्वास्थ्य, कि अभी भी जो स्वास्थ्य के हमारे हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं या हमारे दूसरे और किस्म के सुविधाएं होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो गांव-गांव कस्बों में नहीं पहुंची, इंटीरियर गांव में नहीं पहुंचा, चाहे वो आंकड़े कुछ भी कहते हैं। कई कस्बों में जहां हरियाणा में मैं अपनी शूटिंग कर रहा हूं, उस कस्बे के कई इलाकों में गांव में अभी भी बिजली पानी नहीं है, या पानी पीने का स्वच्छ जो है जल नहीं, अभी भी कुओं से पीते हैं या हैंडपम्प से पीते हैं और बिजली एक दो घंटा आती है। दूसरा ये है कि हरियाणा के कुछ गांव में एक भयंकर प्रॉब्लम हो गई कि लड़के ही नहीं हैं उस कस्बे में, उन इलाकों में, उन जिलों में लड़के ही नहीं बचते हैं। तो ये जेंडर प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी बहुत स्पीड से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार इस तरह से प्लान करे इन इन समस्याओं का जो मैंने अभी बताया बोली, सीरियसली सोचे, कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सोचे और उसको क्रियान्वित करें। मैं जो अपना नाटक सीरियल कर रहा हूँ क्योंकि जीना ऐसे करना, उसमें मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। एक सबसे ज़्यादा खुशी इस सीरियल को करने में मुझे ये हो रही है कि ये यूनिसेफ का प्रोजेक्ट होने के नाते ये जो इस तरह की जो समस्याएं हैं एड्स को लेकर के, जेंडर प्रॉब्लम को लेकर के, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के, उसमें उठाया जा रहा है। मेरा रोल वो नेगेटिव है, मगर मैं एक तरह से मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उसके लिए उसके माध्यम से जो है एक सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये इशू में ड्रामेटिक अंदाज मनोरंजन के साथ साथ एक मैसेज दे रहे हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल होगा।